गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू रवीना एंड अमित, हमारे ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। और ये देखिए मैं आपको क्या दिखाती हूँ, कहाँ है ये रहा। 8:30 हो चुके हैं, आज नया साल है, 1 तारीख है, बट ये जनाब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको ये मेरे दिखने में बाल जो दिख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने सारा काम किया है सुबह उठ के, पर इन्होंने कुछ नहीं किया है क्योंकि ये उठे ही नहीं। गुड मॉर्निंग, ऐसे मुंह मत छुपाइए, दिखाइए दिखाइए, अब आप सोए हैं तो प्राउड से दिखाइए कि आप कब से सो रहे हैं। दोबारा लेट गया, कितना झूठा झूठ बोल रहा है। इनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है झूठ बोल रहा है। तो अब सुनो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि सारी किचन की सफाई, सारे सिंक साफ करना, सारे वॉश बेसिन साफ करना और झाड़ू और पोछा, ये सारा काम मैंने किया है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप क्या काम करेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि आप उठेंगे ही नहीं नए साल पे। आज इसने कोई काम नहीं किया तो पूरे साल कोई काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्यारी समझ गई। ठीक है, तो तुम्हें मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ, उनमें से तुम्हें एक काम करना है। या तो तुम्हें पोहा बनाना पड़ेगा जिसकी रेसिपी आपको सबको बतानी पड़ेगी, मतलब हमें भी तो पता चले, मुझे देख देख के क्या सीखा है ये इंसान। आँख खोलिए, आँख खोलिए। दूसरा ऑप्शन, टॉयलेट साफ करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन यानी आज हमारी पेट की बैंड बजने वाली क्योंकि ये पोहा बनाएंगे। प्यारी समझ गई। उठ जाइए। बनाता हूँ एक बार और बना। अच्छा बनाते हो? हाँ obviously। ऐसा तुम्हें लगता है? बनाया तो था मैंने। चलो उठोगे? 3-4 हफ्ते पहले। हमने ऐसे कुछ था तो बनाया था। कल रात को क्या खाना खाया था वो इनको याद नहीं होगा, पर इनको ये याद है कि 4 हफ्ते पहले इन्होंने पोहा बनाया था। क्या खाया था हमने? नहीं, रात तो पार्टी की थी, पनीर टिक्का। ब्राउनी। चलिए अब हम इनके काम के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अब आप खाना मत गिनवाइए कि आपने क्या खिलाया था, बट हम शिफ्ट होते हैं कि ये आज पोहा बनाएंगे। ये फंस गया सी है। ओके ओके, हाँ बोलिए, ऐसे थम्स अप ताकि ऐसे अप्रूव हो जाए कि आपने बोला है बनाओगे। थम्स अप जल्दी। क्या होता है थम्स अप? ऐसे थम्स अप मतलब आई विल मेक पोहा। से इट, आई विल मेक पोहा आज, अभी, आज थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? कितनी देर में? 15 मिनट बाद। 15 मिनट्स के बाद हम आपसे मिलते हैं। चलिए, तो अमित जो है वो किचन में गया हुआ है और उसकी अभी आवाज आई है, कुछ हेल्प चाहिए होगी। तो मैं एक बार देखती हूँ, जाके आ रही हूँ मैं आपको कि वो क्या कर रहा है। ये देखिए जी, हाँ क्या हो गया? इतना ही है। पोहा नहीं है? पोहा बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज तो पोहा ही चाहिए। तो क्या किया जाए? क्या अरे वाह, टोमेटो, टमाटर। हिंदी में बोल ले, हिंदी में, भारत में रहते हैं आप। प्याज, ये बिग बॉस का घर है, आप हिंदी में बात कीजिए। ठीक है, बेल पेपर को क्या बोलते हैं? अमीर, अमीरों वाली लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, नींबू, 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 वेरी इंपॉर्टेंट, और मूंगफली गिरी। आपको ये सब चाहिए बनाने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में पोहा है या नहीं, नहीं बना सकते आप। पर पोहा को 1 सेकंड पोज करते हुए, ये जो ऐसे ये जो सफाई दिख रही है ना आपको, ये जो बर्तन धोए ये मैंने धोए, बस बस बस, ये मैंने धोए सारे के सारे। अब ये है कुल 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 धनिया, सब चीजें धो रही, दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, पास्ता हो, पास्ता वैसे खा लिया था बट अधूरा ही है। अच्छा, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक बंदा क्या करेगा, ये पोहा लेके आएगा और ये एक सब्जियां काटेगा। तो ऑब्वियसली मैं बना रहा हूँ तो मैं सब्जियां काटूंगा अच्छे से, और अच्छा। अब जो है डिलीवरी गर्ल बनूं मैं, अभी पोहा लेके आऊँ। हाँ, प्लीज प्लीज। पोहे में वैसे पनीर भी डल सकता है तो मैं पनीर भी ले आऊंगी। ठीक है, सो मैं दोनों चीजें लेके आती हूँ, तब तक आप ये काम कीजिए और मैं फिर आके देखूंगी कि आपने क्या काम किया। क्या बात है, आप लोगों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा नया तो अभी हुआ है क्योंकि तुम अभी उठे हो। वैसे 8 बजे मैंने आप लोगों को बोला था और इसने बोला था 15 मिनट में उठ जाऊंगा और अभी 10 बज चुके हैं,
ठीक है, तो 10 बजे इन्होंने अपना काम करना शुरू किया है। जाऊं मैं? जाइए। से बाय। हाँ जल्दी आती हूँ, तब तक वैसे तब तक तुमसे यही कटेंगी सब्जियाँ ना। 10 बजे कुछ और भी देखना है एक बार के लिए। ओके बाय। One eternity later। बहुत बनी तो मैं ले आई, मैं देखती हूँ कि उसने सब्जियाँ नहीं काटी सब्जियाँ। ये देखो सब्जी काटने जरूरी काम कर रहा था, मैं सब्जियाँ भी काटूँ, मैं जरूरी काम कर रहा था। मैं यहाँ ठंड में मर मर के पनीर और पोहा लाई हूँ। वो पनीर वाले अंकल बोल रहे एक ही पैकेट लेके जाओगे आज, मैं आपके लिए ही लाता हूँ। ठीक है तो अभी मैं एक ही लाई क्योंकि हमें कल बाहर जाना है। और पोहा और पनीर का प्राइस बढ़ गया पैसे के नाम पे तो ऐसे देखता है ये इंसान। मतलब कितना बढ़ गया? तो पहले 85 आता था, 83 लिखा हुआ आता था और 80 का दे देते थे वो, और अब जो है 87 बढ़ गया है 25 दिसंबर से। तो ही वाज लाइक बधाई हो नए साल। कितने दिए? ये पनीर का प्राइस 85। तो उसने कहा आप कितने का दोगे, तो 87 की बजाय बस उसने 85 दिया है, यानी 2 रुपए कम किए। और पोहे का भी प्राइस बढ़ गया, पोहे पे 60 रुपए लिखा, पहले 50 लिखा हुआ आता था और एक जादूगर पोहा बहुत मुश्किल से मिला, और 50 लिखा हुआ आता था और 40 तक का दे देते थे। अब 60 लिखा हुआ आ रहा है इस पे MRP और ये 50 का आया है। और कुछ मीठा हो जाए, हैप्पी न्यू ईयर, ये लो। थैंक यू, वेलकम। आपके लिए भी हैप्पी न्यू ईयर, कुछ मीठा हो जाए। आप ऑफ कर लो। मेरी लाई हुई चीज मुझे ही वापस कर रहा है। मेरी लाई हुई चीज का क्या चीज? और मैं वो नहीं पहन के गई थी ग्लव्स, तो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए। खड़े हो गए तुम पोहा बनाने को? 2 मिनट के लिए। तो मैंने चॉकलेट खा ली आधी, आधी इसको भी दे दिया। अब हम वापस से आ गए हैं किचन में। उस टाइम सर बहुत जरूरी काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत जरूरी काम कर रहे थे। तो कल आपको बताऊंगी क्या जरूरी काम कर रहे थे। ये शुरू हो गए हैं, क्या बात है, धोई है इन्होंने ये सारी सब्जियां। हां जी, क्या दिखा रहे हो? बिल्कुल इस स्पीड से अगर आप चले, यू नीड माय हेल्प, मैं कटवा दूं फटाफट। नहीं, क्रेडिट तुम्हारा ही रहेगा। नहीं, अरे पक्का क्रेडिट तुम्हारा रहेगा। प्याज की है ना, मेरे में प्याज नहीं है। फास्ट फास्ट कट जाएंगी ना। फास्ट फास्ट नहीं, प्याज ऐसा है। एक बार हाँ बोल दो, मैं कटवा देती हूँ जल्दी जल्दी। तुम्हारा ही क्रेडिट है, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को। हाथ में कर लेता हूं। हाँ ठीक है, जल्दी कटवा दो। ओके, मैं कटवा देती हूँ, पर किसी को बताना नहीं है। एक पनीर के 4 पीस करके उसमें से जो ये 2 पीसेस है ऐसे इक्वल इक्वल हाफ इसकी प्लेट पे जाएगा, हाफ मेरी प्लेट। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। शिमला मिर्च के ऐसे बीज निकालने हैं, ओके, ताकि ये ऐसे बच जाए खाली। मुझे बताना, तुम्हें बताना था तो तुम बताओ। और जो टमाटर है ना, उसको भी ऐसे पार्ट करके, और ये पोर्शन जो है इसका बीज वाला, वो चीज निकालनी है, क्योंकि कई बार बीज और जब नींबू वगैरह सब मिक्स होता है ना पोहा बनने के बाद, तो बहुत अजीब सा टेस्ट आता है इन बीज का। ये हमारा अनुभव है, आप अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। अगर आपने पहले बनाए हुए तो आपका क्या अनुभव है, कि आप भी ऐसे बीज निकालते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हाँ, इट्स फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगेगा, कर दो। और सेफ साइड के लिए बीज निकाल के भी इस टमाटर को एक बार धो लो। ये सब मैं नहीं बोल रही, अमित बोल रहा है, क्योंकि ये बना रहा है ना, क्योंकि रणवीर ने बताया था। रणवीर ने बताया था। रणवीर मतलब शेफ रणवीर, रणवीर कपूर नहीं, रणवीर और रणवीर सिंह भी नहीं, रणवीर है ना, वो रणवीर कपूर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रणवीर सिंह,
बस ठीक है, अभी जल्दी जल्दी काटो और फिर बनाना शुरू करते हैं। मैं एक चीज और बताना भूल गई आपको, नींबू काटने के बीच में पहले से निकाल लेना, क्योंकि वहाँ बनने में देर नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी बन जाएगा। पर ये जो सब्जियां काटने में सारी चीजें करने में बहुत देर लग जाती है, इसलिए नींबू के बीच पहले निकाल लेना, क्योंकि वरना ठंडा हो जाएगा। नींबू के बीच बाद में निकालना, और अगर बीच गलती से उसके अंदर चलेगा तो फिर मुंह में कड़वा लगेगा, फिर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और ये सब हमें बता दें, शब्द मेरे हैं, आवाज मेरी है, आवाज मेरी है, बात इनकी है, बात इनकी है। मूंगफली जिस स्पीड से इनकी शिमला मिर्च कट रही है ना, उस स्पीड से आज शाम को बनेगा सुबह का नाश्ता। जी प्लीज प्लीज डू द ऑनर्स। काट लिया है ना, सब्जियां दिखा दो, तब तक ये थोड़ा ड्राई होता है, इसमें थोड़ा सा पानी है। ये कितनी सुंदर लग रही है ना चीजें कटी हुई, ये सारी एक में ही कर दी क्योंकि एक ही बार में डलेंगे। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था नींबू मैंने यहाँ रखे थे पहले, लेकिन फिर वो शिफ्ट कर दिया क्योंकि जब पानी डालूंगा पता चले नींबू भी डल जाए। क्या बात है, क्या थैंक यू थैंक यू। चलिए जी डाल लो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑलिव ऑयल डालेंगे, ऑयल डालेंगे आई थिंक, देखो ठीक है। क्या बात है, अरे हम परफेक्ट डाल दिया सब्जी। अरे इसको ऐसे तो कर लो, थोड़ा फैला लो ना ऑयल, जैसे मैंने किया था पास्ता के टाइम। ये तो मैं भूल ही गया, तभी तुम देख के घूमना सीखते हो। चलिए बताइए आगे, चलिए हो गया ये गरम। ठीक है, इसमें जो है हम एक चम्मच के आसपास राई डाल देंगे, फिर वैसे ही डाल दो। ओके, क्या बात, अंदाजा है सर को पूरा का पूरा। थोड़ा सा गरम कम था, पहले मूंगफली डालनी है। मूंगफली हाँ यार, ऐसे कैसे बनेगा, तुम इतनी दूर खड़े रहोगे तो। हाँ अमित, ये इंसान बनाएगा पोहा, देखो चीटे आ रहे हैं, हाथ के लग रहे हैं, देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, बस इतना ही होता है बनने का, उसके बाद खड़े रहो। इसके बाद एक बार इधर देख लो, देखा मैंने क्या दिखाया, इसी इसी स्टेप में डर लगता है सबसे ज्यादा। इसके बाद जितनी कुरकुरी आपको करनी है वो कुरकुरी आप कर सकते हो, फिर तुम क्या बता रहे हो। मतलब वो देख के पता चल जाएगा ना, देख रहा हूँ सबसे बड़ा कौन सा कर रहा हूँ क्या बोलती हूँ। मैं तो कुछ नहीं बोल रही, बता दो यार। तुम्हें तो सब आता है, तुम तो बहुत अच्छा पाव बनाते हो। जादूगर पोहा लेके आते हैं हम, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इसके साथ बढ़िया है। एक बार हम एक और ले आए थे, वो उसमें कीड़े निकले, पूरी बड़ी कढ़ाई जो है बनाई थी और स्मेल आ रही थी, बड़ा बनाया। अगर आपको प्याज को थोड़ा जल्दी ऐसे करना है कि पक जाए, तो इसमें हम डाल सकते हैं नमक। नमक डालेंगे? हाँ। अभी डालो। नमक के लिए हम अमित ही बना रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही। पीछे पीछे, अरे ये रखिए। बहुत है। मुझे इसका आइडिया नहीं है, बाकी सब आइडिया है मेरे पास। प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए। काफी ब्राउनिश है, थोड़े से उठा लो। हो गया क्या, अब बाकी चीजें डाल लो। ओके, सबसे पहले ये हमारी खरी की और अमीरी वाली शिमला मिर्च। नहीं, खाने के बाद बताऊंगी तुम अच्छी। ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो नीचे लगना शुरू हो गया। अभी क्या, नीचे लगना शुरू हो गया, टमाटर डाल दीजिए, धीमा कर लीजिए, पनीर नहीं डालना है। बहुत सारे लोग इसमें बॉइल्ड आलू भी डालते हैं, उबले हुए आलू।
लेकिन हमें अच्छे नहीं लगते और दूसरा हमने कभी डाल दी बॉईल करने में भी समय जाएगा। और आप इसमें मिर्च और हल्दी डाल दीजिए। मिर्च और हल्दी? यस, मिर्च देगी, मिर्च या कश्मीरी मिर्च होनी चाहिए ताकि अच्छा कलर आए। हाँ, इतनी बहुत है? थोड़ी सी और डाल दो, स्प्रिंकल कर दोगे? उसके बाद थोड़ी सी और डाल दो, थोड़ी सी और। हाँ बस बस, और हल्दी आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ऑलमोस्ट आधा चम्मच बस। ठीक है, जल्दी कर दीजिए कहीं वो नहीं। और ये जो इन्होंने पलटा इसके लिए रखा है क्योंकि जब पोहा इसमें, ओए पोहा तो धोया ही नहीं, जल्दी पोहा धोइए पहले। पोहे को धोना होता है, सिर्फ धोना जरूरी होता है। और जो है इसको पहले भी कॉफी मत रखे, वरना इसकी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, नहीं खानी हमें, पोहा बनाना है हमें, लगता है थोड़ा अच्छा बन जाएगा। इतना है, कोई बच गया, बच गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ठीक है, इसको रख दीजिए जब तक वो सब्जियां पकेंगी। बस इसको ऐसे रखना है ताकि इसमें से पानी जो है वो सारा का सारा झर जाए, झर 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 जाए। ये देखिए यहाँ पे रंग बहुत प्यारा सा रंग आ गया, हल्दी की वजह से, ये हल्दी और मिर्च की वजह से। अच्छा, शुक्र है तुमने ये नहीं बोला, रंग मैंने बनाया इसलिए आया। एक सेकंड रुकिए, इसको हो जाने दीजिए। हाँ, उसको प्रॉपर होने दो। ठीक है, अच्छा काम करता हूँ। अरे बहुत, तुमसे अच्छा तो कोई काम ही नहीं। पिछले जन्म में अच्छा कोई फायदा नहीं, केमिस्ट्री वालों को पता है। हमारे ना बीएससी में एक मैम ने बोला था, जैसे जूलॉजी पढ़ते हैं उनको जूलॉजिस्ट बोला जाता है, जूलॉजिस्ट, बॉटनी वालों को बॉटनिस्ट, तो मैम बोले केमिस्ट्री वालों को क्या बोलेंगे? तो केमिस्ट तो सबको ये ध्यान आता है ना दिमाग में कि मतलब दवाइयां बेचने वाले। हाँ, बट केमिस्ट ज्यादा यूज होता है वो वर्ड, तो सब लोग मैम भी हंसने लग गए थे कि केमिस्ट बोलेंगे। बहुत सुंदर दिख रहा है, खाने का नहीं पता। खाने का पता चलेगा, बस ये लीजिए जी। अब पोहे को कैसे डालना है? पोहे को हाथ पे रख के और थोड़ा स्प्रेड आउट करना है ऐसा। हाँ, नहीं नहीं उल्टा कर लो, ऐसे ऐसे आराम से, मुझे पता है ना रीजन, ताकि ये खिचड़ी ना बने। खिचड़ी नहीं बननी, इसलिए मुझे नहीं पता कैसे होगा। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, सारा नहीं लगाया, सारा नहीं लगाया, नहीं लगा, ऐसा मत करो। आप देखो पूरे बाद में पानी बनाया आपने, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। थैंक यू, जल्दी कीजिए, भूख लगी। पढ़ाती हो ना तो बच्चे पूछेंगे ना हमारी आज की परफॉर्मेंस कैसी थी, तो तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। चलो जल्दी करें, भूख लगी है। तो इस तरीके से ये बनेगा जी। अब हम इसमें डालेंगे नींबू और धनिया। इसमें रहेगा अब तो नहीं लगेगा ना, मतलब जितना लग गया उतना लग गया। अब और कुछ नहीं होगा उसका, ज्यादा लगने से बचाया जा सकता है। इसको जोर से हिला के, ओके, जब आप नींबू को करें तो बीज का ध्यान रखें, बीज नहीं निकला तो बीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है जी। ठीक है, ठीक है, हम नींबू ज्यादा करते हैं। हाँ, फिट रहने के लिए ऐसे करना है, इसको ये करना है ऐसे ऐसे ना, ताकि ये कच्चा मत ना बने बहुत ज्यादा। ओके, ये तो मैंने बताया नहीं, ये तो रह गया तुमने, ये तो मैंने बताया नहीं, तुम ही बता रहे हो अभी भी। अरे नींबू ऊपर से डाल लेंगे, बाकी नींबू हम इसको बंद कर देते हैं, ये यहाँ रखा एंड देन ये। क्या बात है, दिखाओ जी। ठीक है, ढंग से, क्या बात है, ये लीजिए जी। बहुत शानदार तरीके से जो है धनिया डल चुका है। अभी पनीर अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो हम दोनों को अपना अपना पनीर बहुत प्यारा है, तो हम अपना अपना प्लेट के ऊपर डालते हैं। जैसे ये डाला, क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया। अरे मुंह में पानी आ गया भाई, ये बहुत, ये डाल के ये वाली प्लेट हमारी स्पेशल पोहे के लिए है। ये क्या प्लेट, ये अमित का पनीर है, क्या बात है, जल्दी जल्दी करें, भूख लगी है। तो ये वैसे तो अमित की प्लेट है, बट मैं इसमें टेस्ट करके बताती हूं कैसा है। अच्छा, चलो आज चेंज करते हैं, आज चेंज करते हैं, रवीना के एक्सप्रेशन देखते हैं, जल्दी करो ठंडा ना हो जाए पूरा, यम्मी, जल्दी करो ना, भूख लगी। हां जी रवीना, इतनी देर में पोहा ठंडा हो जाएगा, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नींबू थोड़ा सा कम लग रहा है, वो नींबू और डालेंगे और है अपने पास, बाकी जल्दी कर लो ना, मुझे दे दो, चलो चलो जल्दी करो जल्दी। आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आया, आपको मिलते हैं नई चीजों के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप ईटिंग। खाना खा के जाना, खाना खा के जाना, तुम्हारा पनीर खा लिया मैंने, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मे दिस ईयर ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस टू योर लाइफ, सो मच हैप्पीनेस एंड फूड इन योर लाइफ। हां, फूड बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपने दिल्ली का आते टाइम वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें 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 जो फोटो मैंने डाल रखी थी जब हमने बनाया था, उसमें सर से कौन सा सुंदर लग रहा है बता। हां, ये वाला सुंदर लग रहा है, देखो देखो, ये तो पनीर भी है, वाओ क्या बात है, मस्त मस्त, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बोल रहे हो, मैं बहुत अच्छा, थैंक यू, बस चलो, बाय बाय।